ध्यान के दौरान साधकों के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव हैं जिनसे साधक डर जाते हैं। यह अनुभव बहुत डरावनी होते हैं, जिसके कारण साधक या जान ही नहीं पाता कि उसका ध्यान सिद्ध रहा है या नहीं, और वह बीच में ही ध्यान छोड़ देता है। दोस्तों, यही स्थिति प्रत्येक साधक के लिए बड़ी दुखदायी है। हर साधक ध्यान में अनुभव चाहता है, ध्यान की कठिन साधना करता है, परंतु जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तब वह डर कर ध्यान छोड़ देता है, जिससे उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। दोस्तों, यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जितनी जल्दी आपके इस स्थूल शरीर में चेतना ऊर्ध्वाधर गमन करती है, उतनी ही जल्दी यह चेतना नीचे की ओर गिरने भी लगती है। ये समस्त ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त चीजें हमें प्रभावित करती हैं। हम जब ध्यान की अवस्थाओं में विचरण करते हैं तब हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं। यह अनुभव डरावने भी हो सकते हैं, और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो यह आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 अनुभवों के बारे में बात करेंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। यदि आपके साथ भी ये अनुभव हुए हैं तो आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। ऐसे अनुभवों का अर्थ होता है कि आप ध्यान मार्ग में प्रगति कर रहे हैं और ध्यान आपको फलित हो रहा है। तो आइए इन अनुभवों के बारे में जानते हैं। ध्यान के दौरान होने वाला पहला अनुभव कि आपके मस्तिष्क यानी थर्ड आई, तीसरी आंख पर वाइब्रेशन होती है, कुछ हलचल होती है। साधकों को ऐसा भी महसूस होता है कि उनके सहस्त्रार चक्र पर कोई चीरती रेंग रही है। इस साधकों की ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि उनकी आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहज नहीं रह पाते। यह स्थिति उनके लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक दी है। यदि ऐसा हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं विद्यमान है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ऐसे ही हमारा यह स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो भी हलचल इस ब्रह्मांड में होती है, उन सब का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर भी पड़ता है, जिससे न केवल हमारा शरीर प्रभावित होता है बल्कि हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी समस्त कार्य प्रभावित होती है। इस ब्रह्मांड में मौजूद को सभी शक्तियां जब हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्तियों से एकाकार होते हैं, तब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमें यह ज्ञान नहीं कि जो शक्तियां इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, वे सभी शक्तियां हमारे इस स्थूल शरीर में भी उपस्थित है। और जब यह प्रमाण शक्ति हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्ति से एकाकार होती है, तब हमारे शरीर की यह 72,000 नारियां एक्टिव हो जाती हैं। 72,000 नारियों में वाइब्रेशन स्पंदन होने लगता है, जिसके कारण इस स्थूल शरीर में उपस्थित 3 मुख्य नारियां इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय। कौन सा रोज एक मंत्र करना हमारे इस स्थूल शरीर में बढ़ने लगता है, तब सुषुम्ना जो कि आध्यात्मिक नारी है, जिससे हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, वह सक्रिय हो जाती है और उसके कारण ही हमारी इस मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो जाता है। तो यदि आपके थर्ड आई यह मस्तिष्क पर खिंचाव पैदा होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप प्रातः उठकर थोड़ा प्राणायाम करने और थोड़ा भ्रमण करना, जिससे आपकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन डर कर आपको ध्यान बीच में नहीं छोड़ना है। साधकों को होने वाला दूसरा अनुभव कि उन्हें ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देता है। ये धोनी घंटे की ध्वनि भी हो सकती है, शंख की ध्वनि भी हो सकती है, और कुछ लोगों को बांसुरी की धुन भी सुनाई देती है, कुछ को डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। ये डिपेंड करता है कि आपके आराध्य क्या है, तब आपको डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए उनके मन में यह स्थिति पैदा होती है कि उनको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कान की सुनने की क्षमता जिस तृप्त हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है,
जिससे वह अदृश्य ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके इस स्थूल शरीर में अनगिनत ध्वनियां विद्यमान है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में नाद की ध्वनि विचरण करती है, ऐसा साइंटिफिकली भी हो चुका है। नासा ने भी इस बात को पोस्ट किया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ ओम की ध्वनि जैसी है। ऐसी ही ध्वनियां हमारे इस स्थूल शरीर में भी विचरण करती है और यह ध्वनियां अदृश्य होती है। हम लोग मोह माया के कारण इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते, क्योंकि कभी हम खाली बैठते ही नहीं, हम माया कमाने में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर की ध्वनि को नहीं सुन पाते। और जब हम ध्यान की आस्थाओं में बैठते हैं, ध्यान सद्धता है, तब इस प्रकार की ध्वनियां हमें सुनाई देने लगती है। तो यदि आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है तो आप ईश्वर की कृपा पात्र हैं। तीसरा अनुभव यह होता है कि जब साधक रात्रि में सोता है तो उसको अजीब अजीब सी डरावने सपने आते हैं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने को खड़ा है, उसके पीठ पीछे कोई खड़ा है। ऐसी अवस्थाओं में आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है। ध्यान साधनाओं को करने के बाद आपने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि वे भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और उन सूक्ष्म शरीर में उपस्थित आत्माओं को ऐसा लगता है जैसे कि यह शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है। भव सागर से पार नहीं जा सकता है, इसलिए आपने देखा होगा कि अच्छे व्यक्तियों से हर कोई संबंध रखना चाहता है, तो यह आत्माएं भी आपसी संबंध रखना चाहती हैं, आपके साथ इस भव सागर से पार होना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि जो लोग ध्यान साधना नहीं करते उनको ऐसे अनुभव क्यों नहीं होती। उनको अनुभव इसलिए नहीं होते क्योंकि वह अपना जीवन शोर में जी रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और कोई बुरे लोगों से क्यों ही संबंध बनाना चाहे। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा कोई डरावना अनुभव हो रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह ध्यान की और गहराइयों में आपको ले जाएगा। चौथा अनुभव है अपने ईष्ट के दर्शन। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको ध्यान के दौरान उनकी ईष्ट भगवान के दर्शन होते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सोते हुए अपने ईष्ट भगवान के दर्शन कर रहे हैं या ध्यान की अवस्था में दर्शन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अब आपकी ध्यान साधना उच्च कोटि की हो गई है। अब यदि ऐसा अनुभव आपको हो रहा है तो आप डरिए मत, बल्कि अपनी साधना को कंटिन्यू करीब आगे बढ़ी है। अब भगवान भी आपको आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे। साक्षात रूप में आप भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी साधना को और गहरा करने की आवश्यकता है। पांचवां अनुभव, कुछ साधकों को ऐसा अनुभव होता है उनका अपना कोई मृत प्रियजन दर्शन देता है, दिखाई पड़ने लगता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो ऐसी अवस्था में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मित्र या पूर्वज हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वैसे भी शास्त्रों में पुत्र को भगवान की उपाधि दी गई है, ये पितृ भगवान के समान है जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपने कभी भागवत कथा सुनी हो तो आपने सुना होगा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है, गहरी ध्यान साधना करता है, तब वह अपने पुराने सात पीढ़ियों के दुखों को तार देता है, उनको आगे ले जाता है। ध्यान साधना के साथ वह न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है, बल्कि अपने प्रियजनों और पितरों को भी मोक्ष के द्वार हद तक ले जाता है। इसलिए ध्यान की अवस्था में आपको आपके प्रियजन और पुत्र भी दिखाई दे सकते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी अनुभव अच्छे अनुभवों और आपको आगे ध्यान की गहराइयों में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको ये सब अनुभव हो रहे हैं तो यकीन मानिए, आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं और आपका ध्यान फलित हो रहा है। इसलिए यदि यह पांच अनुभव आपको हो रहे हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। इसके अलावा भी यदि आपको अनुभव होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।